अगर आप बुक पढ़ रहे हैं तो चाहे हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो, एकदम पूरा आपका सिलेक्शन पक्का है उस बुक से, ये मेरी गारंटी है। ओके, गारंटी दे रहे हैं तो आप लोग भी फॉलो कर लेना। लोकेशन चेंज करें, मुझे तो प्रॉब्लम हो रहा है यहाँ बैठे बैठे वैसे क्योंकि अब वैसे खत्म होने वाले हैं क्वेश्चन, तो मुझे लग रहा है आप यहीं कर लेते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम एक नया इंटरव्यू लेके आए हैं और जो कि आप लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि काफ़ी बच्चे जो हिंदी मीडियम से थे और मुझसे बहुत टाइम से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि हिंदी मीडियम का इंटरव्यू लेके आइए। तो ये हमारे साथ हैं जयप्रकाश, जो कि यहाँ JNU में अभी इनका सिलेक्शन हुआ है ज्योग्राफी डिपार्टमेंट में। तो ये हिंदी मीडियम से ही बेसिकली इन्होंने अपनी स्टडीज़ की हैं, तो आप लोगों के लिए ये हेल्पफुल रहेगा पूरी वीडियो देखना जो हिंदी मीडियम में तैयारी करना चाहते हैं ज्योग्राफी की CUET के लिए। तो आप ये इंटरव्यू देखेंगे तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो हम सबसे पहले जयप्रकाश से ही पूछ लेते हैं उनके बारे में, उनकी बेसिक इन्फॉर्मेशन। तो जयप्रकाश प्लीज़, सबसे पहले तो वेलकम टू माय चैनल, और मुझे सबसे पहले ये बताइए कि आपका CUET में रैंक क्या था और आपका मीडियम क्या था और आपके स्कोर कितने थे, अगर वो बताना चाहे, रिवील करना चाहे तो रिवील कर सकते हैं, क्योंकि ये कुछ लोगों को बताना नहीं भी पसंद होता है, तो प्लीज़ बताइए। सबसे पहले मैं जुलेखा जी को थैंक यू कहना चाहूँगा, क्योंकि मैं बहुत लंबे समय से किसी एक ऐसे चैनल का तलाश कर रहा था जिसको, मतलब जो डेडिकेटेड हो जियोग्राफी के लिए, और मुझे पहले से ही पता था कि इनका चैनल है, तो मुझे अब मैंने अप्रोच किया तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आज इनके चैनल पर आके, और मैं ये बहुत मेरा इच्छा था कि मैं इनके चैनल पर आके सबको बताऊँ। और वैसे मैं हिंदी मीडियम से हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जैसा कि मेरा नाम बताए हैं कि जयप्रकाश यादव है, और मैं मूलतः जौनपुर ज़िले से बिलोंग करता हूँ जो उत्तर प्रदेश में है, और मेरी जो रैंक आई है ऑल इंडिया CUET में वो 19th आई है। आपका स्कोर? हाँ, इधर 195 है, जो मेन पार्ट बी में बोले तो डोमेन सब्जेक्ट में 195 300 ओके। तो वैसे भी अब पार्ट ए हट चुका है तो आपको उतनी टेंशन लेने की ज़रूरत भी नहीं है, 300 मार्क्स का ही आपका पेपर आने वाला है CUET का ऑल ओवर। चाहे वो अब ऐसा कुछ नहीं रहा कि JNU कंसीडर करेगा सिर्फ पार्ट बी, अब हर जगह आपका सिर्फ और सिर्फ डोमेन सब्जेक्ट से ही क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, मतलब आपकी सारी स्टडीज़ जो हैं वो हिंदी मीडियम में ही हुई हैं, या फिर आपका ग्रेजुएशन कौन से सब्जेक्ट में हुआ है, तो आप प्लीज़ यहाँ पर ये चीज़ बताइए। मैं पूरा शुद्ध हिंदी मीडियम का छात्र हूँ, मेरा जो ग्रेजुएशन तक स्टडी हुआ है मैं पूरा हिंदी मीडियम में हुआ है, और जो मेरा ग्रेजुएशन था वो ज्योग्राफी और हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस में हुआ है, तो मेरा जो बैकग्राउंड रहा है वो ज्योग्राफी का ही रहा है, और मेरा जो इंटरेस्ट था वो पूरा ज्योग्राफी में ही था। आपने तैयारी मतलब कैसे की, आपने कौन सी बुक्स पढ़ी और कितना टाइम दिया प्रिपेयर करने के लिए, तो आप यहाँ पर ये थोड़ा सा ऐसे डिटेल्ड वे में बताना थोड़ा सा। जैसा कि मैंने बताया, मेरा जो बैकग्राउंड है वो पहले ही ज्योग्राफी का था, और मैंने जो प्रिपरेशन जो किया है, मेन स्ट्री जो मैंने किया है वो मैंने अप्रैल से स्टार्ट किया था, क्योंकि मेरा जो एग्ज़ाम था ग्रेजुएशन का मैंने 26 अप्रैल को ख़त्म हो गया था, उसके बाद मैंने स्टार्ट किया। तो फिर जो हिस्ट्री जो बीच में था उसके पहले मैंने जो मेरा जो बेसिक था तो मैंने बेसिक पर क्लियर कर लिया था अपना, बट जो अब मेन स्टडी था उसको मैंने जो बुक थी, जैसे कि आपको पता है कि जो मतलब शर्विंदर सिंह हो गए हैं फिजिकल ज्योग्राफी के लिए, और फिर जो ह्यूमन ज्योग्राफी है उसके लिए, फिर ह्यूमन माजिद हुसैन हो गया, और फिर मैंने जो ज़्यादा फोकस किया था प्रैक्टिकल ज्योग्राफी किया था, क्योंकि मेरा जो वीक था वो प्रैक्टिकल ज्योग्राफी था, मैंने ज़्यादा फोकस उस पर किया था। प्रैक्टिकल ज्योग्राफी के लिए क्या मतलब कुछ अलग से पढ़ा था, लाइक ह्यूमन ज्योग्राफी के लिए सब माजिद हुसैन रिकमेंड करते हैं हिंदी मीडियम में ऑब्वियसली, और सविंदर सिंह आपका फिजिकल ज्योग्राफी के लिए हो जाता है, तो आपने प्रैक्टिकल ज्योग्राफी के लिए क्या स्पेसिफिक पढ़ा था, क्योंकि अगर देखा जाए बुक तो फिर बहुत बल्की हो जाती है, तो आपने क्या किया था? मैंने प्रैक्टिकल ज्योग्राफी के लिए यूट्यूब पे कुछ चैनल थे और मैंने वो देखा था, उसके बाद फिर मैंने उसको शॉर्ट नोट बनाया था, उसके बाद फिर एक बुक थी जो मतलब वैकल्पिक भूगोल करके है, तो मैंने उस बुक में लास्ट में जो पेज थे वो मतलब पूरे डेडिकेटेड थे प्रैक्टिकल ज्योग्राफी के लिए, तो मैंने उनको शॉर्ट आउट किया, उसके बाद लिखा उसको अच्छे से, उसको मतलब बार बार रिविजन कर रहा था, क्योंकि मुझे डर था कि मतलब प्रैक्टिकल ज्योग्राफी मैंने पढ़ा नहीं था, क्योंकि कॉलेज में पढ़ा नहीं जा रहा था, तो मैंने उसको ज़्यादा फोकस किया, क्योंकि वही जो मतलब मुझे क्या लगता है कि जो CUET में ज़्यादा जो चांस है फिर होने का लड़कों का या फिर किसी स्टूडेंट का, तो प्रैक्टिकल ज्योग्राफी होता है, क्योंकि सबका वीक होता है ये चीज़। हाँ है बहुत, मैं बीच में सॉरी टोकने के लिए, बट
या जैसे कि हमारा जो ग्रेजुएशन होता है ना, उसमें आप लोगों को चाहे प्रोग्राम हो या ऑनर्स हो, उसमें आपको और चीज़ें तो फिजिकल ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी सब पढ़ा दिया जाता है, बट प्रैक्टिकल ज्योग्राफी पे कोई ध्यान नहीं दिया जाता, नहीं पढ़ाया जाता है। और फिर यही आपका सिलेक्शन होना या ना होना, ये बहुत ही ज़्यादा हद तक डिपेंड करता है आपका प्रैक्टिकल ज्योग्राफी पे, क्योंकि नई चीज़ होती है आपके लिए ये, है ना। और मैं इस पर ये कहना चाहूँगा कि मतलब मेरा जो एनालिसिस है अभी तक जो मैंने CUT का पेपर देखा है, तो मुझे लगता है कि अगर फिजिकल ज्योग्राफी जो है सब लोग प्रिपेयर कर लेंगे अपना, क्योंकि सबका वो स्ट्रांग है, और फिर जो ह्यूमन ज्योग्राफी वो भी सब स्ट्रांग कर लेंगे, लेकिन जो आपका ज्योग्राफी जो टेक्निक हो गया, जो आपका प्रैक्टिकल होगा, ये सबका वीक रहता है। और मुझे लगता है कि जो सिलेक्शन होगा आपका इसी के बेस पर होगा, क्योंकि 10-5 नंबर जो आते हैं तो यही क्वेश्चन आते हैं, और यही सबका मतलब प्रॉब्लम हो जाता है। तो मुझे तो आप मतलब कि अच्छा आप कर रहे हैं प्रिपरेशन वो मतलब फिजिकल ज्योग्राफी, लेकिन ज़्यादा फोकस करिए प्रैक्टिकल ज्योग्राफी का, ये मेरा खुद का पर्सनल व्यू है। और इंडियन ज्योग्राफी के लिए क्या पढ़ा था? हाँ, इंडियन ज्योग्राफी के लिए मैंने बुक पढ़ा था PIR प्रकाशन करके है, अरविंद कुमार है वो बुक, बहुत ही छोटी बुक है और बहुत ही शॉर्ट में लिखी गई है, तो मतलब उसको आप बहुत जल्दी रिवीजन कर सकते हैं, और बहुत ही अच्छा मतलब उसमें जो लैंग्वेज उसका है, फिर उसका पिक्चोरियल जो मतलब उसमें पिक्चर बनाए गए हैं बहुत अच्छे हैं, तो आपको बहुत जनरल भी मिल जाएगा और फिर अच्छा आपका क्लियर हो सकता है। तो मतलब जो आपका ट्रेडिशन चल रहा था कि आपको इंडियन ज्योग्राफी के लिए खुल्लर पढ़ना है या फिर माजिद हुसैन पढ़ना है, तो यहाँ पर ये चीज़ थोड़ा सा ब्लर होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि इन्होंने टोटली डिफरेंट चीज़ पढ़ी थी इंडियन ज्योग्राफी के लिए। तो हाँ, मैं अभी मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, क्योंकि मैंने जो स्टडी की है मेरा हिंदी मीडियम था, तो मैंने ज़्यादा मतलब जो फोकस किया है मतलब कि मेरा जो कंटेंट था सब अलग था, और मैंने जो फिजिकल ज्योग्राफी था उसके लिए मैं सुरेंद्र सिंह को अच्छे से पढ़ा था, क्योंकि वो बुक है बहुत अच्छी बुक है। उसके बाद फिर मैंने एक और बुक मैं ऐड करना चाहूँगा, जो थी मेरी बहुत फेवरेट बुक है ऑप्शनल ज्योग्राफी करके है, क्रॉनिकल पब्लिकेशन का है, वो ज़्यादा बेसिक जो बुक है UPSC वालों के लिए, तो बट मैंने वो बुक पूरा पढ़ा था, उसमें आपको फिजिकल ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी हो गया, और फिर ज्योग्राफी टेक्निक हो गया, सेटलमेंट ज्योग्राफी, मतलब सारे जो पूरे कवर किए गए हैं, पूरे सिलेबस को कवर किया गया उसमें, CUT का हो, चाहे फिर नेट का हो, फिर चाहे UPSC का हो। तो मैंने वो बुक पूरी अच्छी तरह से पढ़ा था, वो बुक को मैंने कई बार रिवीजन किया था, मल्टीपल रिवीजन, और बुक मुझे अभी मतलब बहुत अच्छी लगती है। और अगर आप वो बुक पढ़ रहे हैं तो चाहे हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो, एकदम पूरा आपका सिलेक्शन पक्का है उस बुक से, ये मेरी गारंटी है। ओके, गारंटी दे रहे हैं, तो आप लोग भी फॉलो कर लेना क्योंकि वो बुक का कंटेंट ही बहुत अच्छा है, उसमें आपको सारे सारे कवर हैं आपके जो टॉपिक हैं। ओके, तो बुक लिस्ट एक बार आप सही से मतलब पूरा डिटेल वे में बता दीजिए, स्पेसिफिक कि आपने फिजिकल के लिए ये बुक पढ़ी, ह्यूमन के लिए ये बुक पढ़ी, तो आप यहाँ पर थोड़ा सा स्पेसिफाई कर दीजिए। सबसे पहले ये ज़रूरी है कि आप सिलेबस को ध्यान में रखिए, सिलेबस क्या है आपका, जो CUT ने सिलेबस को 3 पार्ट में डिवाइड किया है, पार्ट ए हो गया, पार्ट बी हो गया, पार्ट सी हो गया। जो पार्ट ए है उसमें उसने जियोमॉर्फोलॉजी हो गया, फिजिकल ज्योग्राफी को भी उसने कवर किया है, उसने इंडियन ज्योग्राफी का जो फिजिकल है उसने उसमें भी कवर कर लिया। जो पार्ट बी है उसमें उसने ह्यूमन ज्योग्राफी कवर किया है, ह्यूमन ज्योग्राफी में हो गया आपका पॉपुलेशन ज्योग्राफी, सेटलमेंट ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी उसने उसमें ऐड कर दिया इस बार। और फिर जो पार्ट सी हो गया आपका वो ज्योग्राफी टेक्निक हो गया, उसमें कार्टोग्राफी हो गया, प्रैक्टिकल ज्योग्राफी, ये सारे उसमें कवर हैं। तो पहले आप एक प्रकार से ऐसे आप तैयारी कर सकते हैं कि आपको फिजिकल ज्योग्राफी से पहले आपका दिया गया पार्ट ए में, तो आप फिजिकल ज्योग्राफी तैयारी करिए। तो फिजिकल ज्योग्राफी का जो बुक है सबसे स्टैंडर्ड जो बुक है, जो बहुत फेमस बुक है, वो सबको पता है, मतलब सुरेंद्र सिंह हो गए, और उससे अच्छा कोई बुक है ही नहीं मुझे जो लगता है कंपटीशन के क्षेत्र में, चाहे आप UPSC कर रहे हैं, चाहे आप CUT कर रहे हैं, चाहे NET JRF दे रहे हैं, वो आपका बहुत ही अच्छी बुक है, पूरा आपका जो बेसिक क्लियर हो जाएगा। आप उस बुक को बार बार रिवीजन करिए। जब मैं पढ़ रहा था उस बुक को तो मैंने कई बार उसको रिवीजन किया था, मिनिमम मुझे लगता है 50 से 100 बार मैंने कर दिया होगा, और मैं जितनी बार उस बुक को पढ़ा उतनी बार मुझे मतलब नई नई चीज़ें मिल रही थी, नए नए कॉन्सेप्ट मेरा जनरेट हो रहा था। और फिर अगर हम बात करें ह्यूमन ज्योग्राफी के लिए, तो मैंने बेसिकली ये सुना है कि वो माजिद हुसैन, बट मैंने ऐसा कोई बुक नहीं पढ़ा है माजिद हुसैन को। और फिर प्रैक्टिकल ज्योग्राफी के लिए पढ़ा क्या फिर आपने? हाँ, मैंने ह्यूमन ज्योग्राफी जो पोर्शन था मैंने ज़्यादा से ज़्यादा करके मैंने यूट्यूब से कवर किया है, और फिर एक बुक थी वैकल्पिक भूगोल करके, वो वैकल्पिक भूगोल जो बुक है उसके राइटर हैं क्रॉनिकल प्रकाश पब्लिकेशन की राइटर हैं संजय सिंह, वो बुक बहुत ही अच्छी है। और फिर जो मैंने प्रैक्टिकल ज्योग्राफी की जो बुक पढ़ा था वो भी उसी में कवर हो गया है। प्रैक्टिकल ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी मैंने दोनों उसी से कवर कर लिया है, और मैंने 60 नोट बनाए थे इसके दोनों को उसमें पढ़ने के बाद। और फिर मैंने 2-3 जो यूट्यूब थे उनका भी मैंने सहारा लिया था, और मेरे जो कॉन्सेप्ट थे उससे भी क्लियर कही हुए थे। इंडियन ज्योग्राफी के लिए? हाँ, इंडियन ज्योग्राफी के लिए मैंने जो बुक पढ़ा है वो भी मेरा बहुत अलग बुक है। तो जो बुक है वो इंडियन ज्योग्राफी के लिए PIR पब्लिकेशन का है, अरविंद कुमार हैं, और जो बुक है वो भी बहुत स्टैंडर्ड बुक है, और उसमें बहुत ही कम मतलब कि जो उसकी मतलब बहुत कम वे में उसने बहुत कुछ समझा दिया है, और उसका जो समझाने का तरीका है बहुत ईजी है, बहुत
मतलब आसान है, आप अच्छे से उसको पढ़ सकते हैं। और आपको मतलब जो लेंदी है, जो मैंने जो देखा था खुल्लर का, वो बहुत ही ज़्यादा लेंदी था मतलब, और उसमें कंटेंट भी बहुत ज़्यादा मतलब पुराने थे, और माई सूसन का भी वही हाल है। तो अगर आप स्टैंडर्ड बुक चाहते हैं या फिर नई एकदम चाहते हैं, तो इसके लिए नई एडिशन आपका है, अब अच्छे से तैयार कर सकते हैं बुक से। ओके, और फिर लाइक कितने घंटे और कितने टाइम में मतलब आपका पूरा प्रिपेयर हो पाया अच्छे से? मतलब मुझे क्या लगता है कि जो ये घंटे की बात होती है, ये गलत होती है क्योंकि मतलब वही घंटे देख के हम तो नहीं पढ़े थे घंटे देख के भाई। मेरा क्या था मतलब कि मेरा टारगेट क्या है, मैंने अपना टारगेट फिक्स किया था, मुझे फिजिकल ज्योग्राफी का ये जो मॉर्फोलॉजी ख़त्म करना है, तो मैं उसको एक दो घंटे में ख़त्म करता था। ये मेरा टारगेट था कि नहीं मुझे प्रैक्टिकल ज्योग्राफी करना है, तो प्रैक्टिकल ज्योग्राफी करता था। तो मेरा जो टारगेट था वो मतलब डिपेंड नहीं करता था मैं कितने घंटे पढ़ रहा हूँ, डिपेंड करता था मैं क्या पढ़ रहा हूँ, मतलब मुझे क्या टारगेट मेरा है। तो आप टारगेट अगर आप फिक्स करते हैं किसी मतलब चैप्टर को, तो आपका ज़्यादा अच्छा है, न कि घंटे को टारगेट कर रहे हैं। दैट्स रियली अ गुड थिंग कि ये चीज़ अगर फॉलो करते हैं तो मतलब वो आप लोगों के लिए भी बहुत अच्छा है। ये मैं हमेशा से कहती आई कि घंटे मत फिक्स करिए, आप चाहें तो पेजेस, चैप्टर या टॉपिक फिक्स करिए कि इस टॉपिक को हमें रात को ख़त्म करके ही सोना है, चाहे वो जल्दी ख़त्म हो जाए चाहे आपको लेट तक पढ़ना पड़े, बट ऐसा टारगेट ही फिक्स करना चाहिए आपको। सो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अब कि आपका और किस किस यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन हुआ, और फिर अगर और जगह हुआ भी था तो फिर आपने सिर्फ JNU को ही क्यों चुना, यहीं पर क्यों एडमिशन लिया आपने? मैंने जो CUT दिया था, मैंने तीन सब्जेक्ट से दिया था, मेरा पॉलिटिकल ज्योग्राफी था, हिस्ट्री था और ज्योग्राफी था। तो मेरा जो सिलेक्शन हुआ दो सब्जेक्ट में हुआ था, ज्योग्राफी में भी हुआ था, हिस्ट्री में भी हुआ था, और सारे यूनिवर्सिटी में हुआ था। मेरा रैंक भी अच्छा आया था, तो मुझे सारे यूनिवर्सिटी में मतलब कि सिलेक्शन हो गया था। बट मैंने जो मेरी जिद थी, जो मेरा ड्रीम था JNU आने का था, तो मैंने कहीं और रजिस्ट्रेशन कराया ही नहीं था। तो मैंने बस रजिस्ट्रेशन जो कराया था DU में कराया था और JNU में कराया था। तो बट मैंने सीधा सीधा JNU में एडमिशन लिया था, और मुझे लग रहा था नहीं मेरा हो जाएगा, तो मैं काफ़ी कॉन्फिडेंस था, तो और कहीं मैंने कराया नहीं। और मेरा ये भी तो देख के ये आए हैं यार। हाँ, मेरा ये भी था कि मतलब मैं इस चैनल पे आके इंटरव्यू दूँ, और मैंने बात भी किया था इनसे पहले ही कि कमेंट कर चुके हैं ये पहले कि हाँ, मुझे इंटरव्यू देना है। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि मतलब मैं जब स्टार्टिंग जब फेज में था, जब मैं तैयारी कर रहा था, तो मुझे भी मोटिवेशन की बहुत कमी थी। तो मुझे मतलब कि मैं चाहता था किसी तरह मतलब मुझे भी मोटिवेट हो जाऊँ, या फिर मतलब कोई वीडियो देख लूँ JNU का। तो मतलब ज़्यादा करके मैंने इसी चैनल पर आता था, होली का वीडियो है या फिर दिवाली का है, तो मतलब कोई भी वीडियो होता था तो मैं देखता था अच्छे से। और मुझे एकदम पैसन था मेरा यहाँ आने का, एकदम जुनून था, अट्रैक्शन था, नहीं मुझे यहाँ आना है और यहाँ आके बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। अच्छी बात है। तो फिर यहाँ पे आके मतलब एनवायरनमेंट आपको स्ट्रेसफुल? ओके, इससे पहले सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, और भी इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ जो कि हिंदी मीडियम वालों के लिए है, वो लोग बोलते हैं कि ठीक है हमने हिंदी मीडियम से अपना एग्ज़ाम दे दिया और हमारा सिलेक्शन भी हो गया, तो यहाँ JNU में आने के बाद उन्हें क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, और जो प्रोफेसर्स हैं वो आपको सेमेस्टर एग्ज़ाम हिंदी मीडियम में लिखने को अलाउ करते हैं या नहीं करते हैं, आपको समझने में दिक्कत होती है या नहीं होती? क्योंकि ये क्वेश्चन मुझसे पहले कई बार कर चुके हैं, बट मैं जैसे कि हिंदी मीडियम से नहीं हूँ, तो मैं वो चीज़ का आंसर नहीं कर सकती क्योंकि मैंने वो प्रॉब्लम फेस नहीं की। आप वो चीज़ को अच्छे से बता सकते हैं? हाँ, मेरा जो यहाँ आने का पर्पज़ है, ज़्यादा करके मुख्य जो पर्पज़ है मेरा, ये हिंदी मीडियम वालों को गाइड करना है एक प्रकार से, या उनको मेंटर देना है। कि मतलब मैं जब तैयारी कर रहा था, मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, तो मुझे लगता है कि मैं अगर आज यहाँ आया हूँ तो मैं ताकि उन लोगों का हेल्प कर सकूँ, तो मैं इसलिए आया था। मैंने कमेंट भी पढ़ा था नीचे, तो कमेंट में मैंने देखा था कि कई बच्चे हैं जो पूछ रहे हैं सर NCERT ज़रूरी है या नहीं, या इंग्लिश मीडियम में हम पढ़ सकते हैं या हिंदी मीडियम में पढ़ सकते हैं। तो मेरा ये मानना है कि आपको मीडियम का कोई बैरियर नहीं है आपके स्टडी में, जो कंटेंट हिंदी मीडियम में वही कंटेंट इंग्लिश मीडियम, जो इंग्लिश में वो हिंदी मीडियम में है। और रही बात यहाँ आने की, मतलब JNU आने के बाद आपको अगर कोई लैंग्वेज प्रॉब्लम हो रही है, तो मतलब जो यहाँ का जो लैंग्वेज जो है बहुत ही जनरल लैंग्वेज है जो टीचर यूज़ करते हैं, ना कि कोई मतलब साइंस या रॉकेट वाला मतलब बहुत लैंग्वेज है जो आपको नहीं आ सकता है। और जो प्रोफेसर यहाँ के हैं, प्रोफेसर भी बहुत मतलब कि बहुत फ्रेंडली प्रोफेसर हैं, अगर आप जाके उनसे पर्सनली मिल रहे हैं तो आपको बहुत ही अच्छा मतलब वो समझाएंगे भी, और आपको बहुत हाँ, और मतलब आपको अच्छा लगेगा कि नहीं कि हम किसी प्रोफेसर से मिल रहे हैं, ऐसा नहीं लगेगा, आपको लगेगा नहीं कोई हमारा फ्रेंड है या कोई मतलब काफ़ी सीनियर हैं जो हमें बहुत अच्छे से गाइड कर रहे हैं, तो एक प्रकार से आपकी हेल्प करेंगे। तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा है, आप आइए, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम मत करिए, पहले आप यहाँ एडमिशन ले लीजिए, और उसके बाद जो चीज़ें, अब लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज आपको सीखना पड़ेगा, और कोई भी लैंग्वेज थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है आगे। हाँ, और जो एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम तो आपको इंग्लिश मीडियम में देना पड़ेगा, मिड सेम का हो चाहे एंड सेम का हो, असाइनमेंट को आप इंग्लिश मीडियम में करना पड़ेगा, बट काफ़ी सारे सोर्स हैं जिसे आप कर सकते हैं काफ़ी।
मतलब ये चॉइस नहीं है कि आप हिंदी मीडियम में लिखना चाहते हैं तो हिंदी मीडियम में नहीं 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 मतलब आपको सीखना पड़ेगा, क्योंकि आपको अगर पहला मीडियम आप पहला सेमेस्टर अगर लिख रहे हैं आप हिंदी मीडियम में, फिर आपको अगले सेमेस्टर इंग्लिश मीडियम में लिखना पड़ेगा, और फिर आप कब तक ये करेंगे, आपको हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम कन्वर्ट होना ही पड़ेगा। और ये एक्चुअली सिर्फ JNU की बात नहीं है, यहाँ पर आपको किसी भी चीज़ में सक्सेसफुल होना है। मतलब मैं ये नहीं कहूँगी कि हिंदी मीडियम से हैं तो नहीं कर पाएंगे, इंग्लिश मीडियम में आप तभी कर पाएंगे, बट एक जो होती है ना अपॉर्चुनिटी इंग्लिश मीडियम वालों के लिए थोड़ा आई गेस ईजी हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर हर जगह हर चीज़ इंग्लिश में हो रही है, तो आपको इस प्रॉब्लम से ओवरकम करना पड़ेगा। अगर ये आपकी कोई कमी है तो इसे दूर करना पड़ेगा, है ना। और हिंदी मीडियम वालों का प्रॉब्लम क्या है, मतलब वो खुद तो बहुत जल्दी अंडरस्टिमेट कर लेते हैं, और उन्हें लगता है कि मतलब जो इंग्लिश मतलब जो अच्छे यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, या फिर जो किसी अच्छे कॉलेज में पढ़ रहा है, तो मतलब बहुत जल्दी सक्सेस हो जाएगा, उसको ज़्यादा नॉलेज है, ज़्यादा टैलेंट है, बट ऐसा कुछ नहीं है। आप हिंदी मीडियम से हैं तो आप खुद पर कॉन्फिडेंस रखिए, बिलीव रखिए, क्योंकि आपसे अच्छा कोई नहीं है, और लैंग्वेज कुछ नहीं होता है, लैंग्वेज बैरियर कुछ नहीं है, अच्छे से आप अच्छे से पढ़िए, और 2 महीने का टाइम बचा है तो आप फिर अपने स्टडी को दीजिए, ये ना करिए हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम, नहीं तो फिर आप गांव में ही रह जाएंगे, घर पे ही रह जाएंगे। और जैसा कि मैं आप सबके सामने मतलब बैठा हूँ, और मैंने 2 सब्जेक्ट से क्वालिफाई किया, फिर मेरा नेट भी क्वालिफाई हुआ है अभी पहले ही सेमेस्टर में। हाँ थैंक यू। तो आप देख सकते हैं कि मतलब मैंने कोई मतलब मुझे प्रॉब्लम नहीं आया है, और जो कंटेंट थे मैंने अच्छे से पढ़ा था, तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको लैंग्वेज की वजह से कोई प्रॉब्लम हो रही है। तो आप लोग एकदम निश्चित होकर तैयारी कीजिए एकदम अच्छे से, और हिंदी मीडियम में सब कुछ है, तो आप सेटिस्फाई हो जाइए इस चीज़ से कि आपको यहाँ आके कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली हिंदी इंग्लिश मीडियम की। तो आप अच्छे से प्रिपेयर करिए, अभी भी आपके पास 1-1.5 महीना बचा हुआ है, तो आप अच्छे से प्रिपेयर करिए उसे। और तो फिर एक जो अभी 1-1.5 महीना बचा हुआ है, उसके लिए स्पेसिफिक कुछ ऐसी तैयारी की कोई स्ट्रेटजी की, हाँ इनके लिए मंत्र हो जाए कुछ ऐसा 1-1.5 महीने के लिए, कुछ ऐसा पढ़ने की जो अभी तक नहीं पढ़ा होगा, या कुछ ऐसी स्पेशल स्ट्रेटजी रहती हो जो एंड टाइम के लिए। हाँ, इसके लिए मतलब कि मैं ये कहना चाहूँगा कि आपने अभी तक मतलब जो भी कवर किया है, मतलब आप चाहे फिजिकल ज्योग्राफी कवर किए हों, चाहे ह्यूमन ज्योग्राफी, चाहे ज्योग्राफी टेक्निक किया है, आप जो भी किए हैं आप उसको बार बार रिवीजन कीजिए, बार बार रिवीजन कीजिए। और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है आपको PYQ है। PYQ मतलब कि आप ज़्यादा मतलब मेरा मानना ये PYQ आप ज़्यादा मत सॉल्व करिए, 10-12 साल का मत सॉल्व करिए, ताकि आपको बस पूरा फैक्ट याद हो जाए। मतलब आप बस 3-4 साल का बस आप तैयार कर लीजिए, क्योंकि जो ट्रेंड होता है वो चेंज होते रहता है, आपको 2-3 साल मतलब ट्रेंड चेंज हो जाएगा, पता चला आप 10 साल का हल करके बैठे हैं, आप पता ही नहीं चल रहा है कि क्या ट्रेंड चल रहा है। और फिर मेरा ये मानना है कि आप जो नेट है नेट का आप 3 साल का सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद फिर आप जो CUT का पेपर हुआ है 2 साल हो गया, तो 2 साल में एक साल 2022 में हुआ था पेपर, और 2023 में 2 पेपर हुआ था, तो आप 3 पेपर उसको हल कर लीजिए, तो आपका एक अच्छा खासा 1-2 हज़ार आपका हो जाएगा क्वेश्चन, तो आप उसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, आपको ट्रेंड भी अच्छा पता चल जाएगा, कौन सा जो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है आप उसको वो आपको पता चल जाएगा। तो PYQ बहुत ज़रूरी है अगर आपको तैयारी करना है, सिलेक्शन लेना है। PYQ की टू सक्सेस। हाँ, तो PYQ आप सॉल्व करिए, और ये भी बता दिया है कि कौन से सॉल्व करने हैं PYQ, तो ठीक है आप PYQ सॉल्व करिए। ठीक है, जैसे कि अब 1 महीना बचा है, इसके लिए हमने प्रिपरेशन की, क्या करना चाहिए उन्हें 1 महीने में बच्चों को, वो भी हमने यहाँ पे बात कर ली। अब जो नए आने वाले स्टूडेंट्स हैं या जो एस्पिरेंट हैं, उनके लिए कुछ एक स्पेशल मैसेज देना चाहोगे आप? मेरा ये मानना है मतलब आप लोग यहाँ आइए, मतलब बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी है, बहुत ही मतलब फ्रेंडली यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे जूनियर सीनियर का कोई मतलब कि उतना डिफरेंस नहीं है, और यहाँ के जो प्रोफेसर हैं बहुत ही वेल इंटेलेक्चुअल हैं, और बहुत अच्छे हैं, और बहुत ही फ्रेंडली हैं। तो आपको यहाँ मतलब आपको एक पैशन क्रिएट करना पड़ेगा यहाँ आने के लिए, और आपको तैयारी बहुत अच्छा करना पड़ेगा, तो आप यहाँ आइए, हम सब हैं, जुलेखा जी हैं, हम हैं, सब लोग आपका हेल्प करेंगे। अब आप लोगों की हेल्प करने के लिए बहुत लोग हो चुके हैं। हाँ, काफ़ी लोग तैयार हैं आप लोगों की हेल्प करने के लिए, बस आप डिस्ट्रक्शन मत क्रिएट करिए, और न तो फिर अपना डिसअपॉइंटेड होइए, आप अच्छे से आइए और पढ़िए अच्छे से, मेरा यही लास्ट मैसेज है आप लोगों के लिए, आप अच्छे से पढ़िए एकदम। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो, ये मैं कहना नहीं भूलूंगी इनमें। तो अच्छे से प्रिपेयर करिए, एंड टेक केयर, एंड बाय बाय।